दमोह के पथरिया थाना क्षेत्र में तीन बदमाशों ने मिलकर एक युवक को जिंदा जला दिया, जिससे युवक 80% से ज्यादा जल गया। आनन फानन में उसे पथरिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखकर उसे दमोह जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। घायल युवक सुरेंद्र के पिता का कहना है कि उसे गांव के ही दो बदमाशों ने पुराने रंजिश के चलते कैरोसिन डालकर आग लगा दी थी। वही पुलिस ने मामला यहां पर दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।